नात पेश करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त। गुजारिश ये है कि इस मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद समात फरमा रहे हैं। जब इस अकीदे और इस मोहब्बत के साथ आप दुरूद पढ़ेंगे तो सुरूर भी आएगा और ज़ौक भी बनेगा। ज़रा मोहब्बत के साथ झूम झूम कर, अब कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि, आवाज आनी चाहिए, मिल के पढ़े चाहिए। या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या, एक दफा फिर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि जिन जिन कलामों का कहा गया है मैं थोड़ा पेश करके इजाजत चाहता हूँ। एक रुबाई से आवाज करता हूँ, गजरे नाता दे कोई पिरो आए, कोई महफिल नात सजा में ओदी तौसीफ देगार आए, कोई ओदी तौसीफ सुन के ते वट खार आए, मरदा जा रहे नासन किसे दे रो कलाम में आप मेरे साथ शामिल हो जाए। खूबसूरत कलाम है और हुजूर के सना खां नात पढ़ते रहते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी हुजूर के सना खानों में आ जाए मेरे साथ मिलके। तू शाह खूबा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है जेरा उम्र किताब दे, तू शाह चेहरा उम्र किताब
मंत्री हो, मलक हो, खान हो, कुछ भी हो दुनिया का, कुछ भी हो, लेकिन जब तक हुजूर का इज्न ना मिले, इजाजत ना मिले, तो हुजूर के दर की हाजिरी मुमकिन नहीं है। सुनिए जरा, कहां कमल सब कहना सुभान अल्लाह। जो जितना खुश बैठा है हुजूर की महफिल में वो कहे सुभान अल्लाह। कहां कमल सब कहां की शाही कसम खुदा की ये है हकीकत। क्या जिन्हें बुला से रोजे हिसाब से कि तेरा हिसाब तो तेरे प्यारे महबूब ने लेना है, अल्लाह करे समझ आ जाए। अरे तू साइम अजीब इंसान के रोजे माशर से है हिरासा। अरे तुझे के हवाले से पेश करता हूं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु कलाम के भी जो फरमाइश की गई है भाई ने भी कहा हुआ है और साजिद भाई ने भी कहा इंशाल्लाह इसके बाद वो पेश करके फिर इजाजत चाहिए। रंग लग गए ईद मिलाद जो आइए ते आखो सुबहान अल्लाह। इस सलाम में है ही सुबहान अल्लाह की सदा। आप और कुछ ना कहें बस सुबहान अल्लाह ही कहते रहे मेरे साथ। रंग लग गए ईद आइए ते आखो सुबहान अल्लाह।
मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, आप सिर्फ सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते, जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा कि हुजूर का नाम खान तब भी पड़ता है जब आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं सुभान अल्लाह की सूरत में। आप सुभान अल्लाह कहते जाए, मैं पढ़ता जाऊँ, कहे सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत हम क्या चाहते हैं, जरा सुनिए मेरी और आपकी दिल की क्या ख्वाहिश है। गली गली विच होवण नाता सोने दिया गल्ला बाता, गली गली विच होवण नाता सोने दिया गल्ला बाता, मक्के की तरफ गई ना तो बाकी जो दाइयां थी ना उनकी जो डाची थी, जो ऊंटनी थी वो तेज रफ्तार थी, आपकी ऊंटनी कमजोर थी। शाह जी ये सारी बातें समझते हैं, जानते हैं, तो वो बाकी सब चली गई, इसलिए जल्दी गई कि हम मक्के में जाएंगी तो जो सरदारों के बच्चे हैं वो लेके आएंगी तो उनसे हमें जरा मुआवजा पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन दाई हलीमा जो थी उनकी डाची कमजोर थी, और लिखने वाले ये लिखते हैं कि वो डाचियां बच्चे लेकर वापस आ गई और ये अभी मक्का भी नहीं पहुंची और सोचने लगी कि सारे बच्चे ये ले आए हैं, सरदारों के बच्चे ये ले गए हैं, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वो क्या जानती थी कि उन्हें सिर्फ सरदारों का बच्चा नहीं, उन्हें दो जहानों का सरदार मिलेगा। और जब वो वापस लेकर आई ना, बात तभी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जरा दिखाओ तो सही ना क्या लेकर आई। उन्होंने कहा जरा दिखाओ ना चेहरा तो दिखाओ ना। जब उन्होंने चेहरा देखा कि इतना खूबसूरत बच्चा, तो क्या कहा सुनिए, नाइयों ने क्या कहा। जिन्हू वेख के चन शर्मांदा ए लाल कितों ले आंदा, इतना बड़ा शेर कहा सुभान अल्लाह, बड़ी ढीली गई यार। जिन्हू बहुत सारी हैं, शबे महराज है, शबे बरात है, लेकिन शायर कहता है कि जिस रात हुजूर की आमद हुई ना उसकी क्या ही बात है। और इधर एक और बात मैं कर दूं, इंशाल्लाह मैंने इजाजत ली हुई है, आगे शाह जी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। आज कहने वाले ये कह देते हैं, आप फेसबुक पे आगे पीछे लोगों के साथ जब मेल मिलाप होता है तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी ये चरागा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये झंडियाँ आप लगाते हैं क्यों लगाते हैं, ये आप सलातो सलाम खड़े होके पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे पास जवाब होना चाहिए। मैं एक बात करके उसी में आपको जवाब दे रहा हूँ, और इसको आपने अपने दिलों की तख्ती पे लिखना है ताकि कल कोई आपसे सवाल करे ना तो आप उसको जवाब दे सके। शायद
बीबी आपना फरमाती हैं कि जब हुजूर की आमद हुई ना तो तीन चीजें मुझ पर आया हुई, तीन चीजों का पर्दा मुझसे हटा, मैंने देखा। सुनिए पहला क्या हुआ, तमाम आसमान के तारे इकट्ठे हो गए, बड़ा झुरमट सा बन के इकट्ठे हो गए आपके घर पर, इतने झुके कि बीबी फरमाती हैं कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं ये मेरे छत पर गिर ही, मेरे घर पे गिर ही ना पड़े, इतनी रोशनी और इतना चरागा किया गया। तो तारों को इकट्ठा किसने किया यार, बोलो तो सही ना यार, डरने की जरूरत नहीं है, जरा मोहब्बत से बोलो ना, किसने किया? रब ने किया। तो हम चरागा क्यों करते हैं कि रब ने किया तो हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने फरमाया जिब्राइल अमीन तीन झंडे लेकर आए, तीन झंडे लेकर आए, एक काबे की छत पे नस्ब किया गया, एक मशरिक में एक मगरिब में, तो हम झंडे क्यों लगाते हैं यार, बोलो तो सही ना यार, क्यों लगाते हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने आके झंडे लगाए तो हम भी वही सुन्नत पूरी कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, कहे सुभान अल्लाह। आखिरी, आपने फरमाया जमीन से लेकर आसमां तक फरिश्तों की जो फौजें थी वो दस्त बस्ता हाथ बांधे खड़ी हुई थी, कोई मुझे बैठा हुआ नजर नहीं आया। तो हम सलातो सलाम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फरिश्तों ने पढ़ा है, तीन चीजें हैं ना, चरागाह मेरे अल्लाह ने किया हम भी कर रहे हैं, झंडे जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार ने लगाए हम भी लगा रहे हैं, फरिश्ते दस्त बस्ता खड़े होके हुजूर की आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम भी खड़े होके इस्तकबाल करते हैं। समझ आ गई? जरा बोलो तो सही ना यार, जिसे समझ आई हाथ खड़ा करे ना, पता ले माशाल्लाह। ये आपने अपने दिल की तख्ती पे लिखने, आजकल बहुत सवाल होता है ये। सुनिए रात के बारे में जो शायर ने शेर लिखा, किन्नी सोहनी रात सुवारे कुल राता दी सरदारे, किन्नी सोहनी रात सुवारे कुल राता दी सरदारे, जिस राती रहमत रब बरसाइए ते आखो सुबह पढ़ा, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ, पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या हर जरा जहां मेरे है, हर कार कली है, जिक्र मेरे साथ करे हुजूर उसे अपनी गली में बुला ले। अब जो जो जाना चाहता है ना वो मेरे साथ कह ले, आका वो तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली है, आका वो तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली है, चमके गलहद में भी तेरे मांगते का चेहरा, सिबा दे सबा से
गली तेरी गली है, वो तेरी गली तेरी गली तेरी गली है, जिसने मुझे एक जर्रे से है मेहर बनाया, जिसने मुझे एक जर्रे से के मजनू को मिली लैला यूसुफ को सुनेगा, मजनू को मिली लैला यूसुफ को सुनेगा, और मुझको मिले जिंदा वली है, शार को समझते हैं और उसके जौक को समझते हैं, शायद ये समझेंगे इस शेर का रब्त चेक करें कि कितना खूबसूरत जो इसका रब्त है वो बनाया गया है। आका वो तेरी गली तेरी गली तेरी गली है, सरकार के फैजान के दरिया है ये दोनों, सरकार के फैजान के दरिया है ये दोनों, सरकार के फैजान के दरिया है ये दोनों, है दाता इधर और उधर गौसे जली है, दाता इधर और उधर गौसे जली है, आका वो सद शुक्र के निस्बत है मुझे आले नबी से। शायद बात कर दूं, हुजूर ने फरमाया कि तुम में दो चीजें छोड़ के जाना, एक कुरान पाक और एक अपनी आले बैत, अगर हिदायत लेनी है तो इन दो चीजों से लेनी है। तो यार जब आले नबी का जिक्र आए ना तो फिर कंजूसी ना किया करे, जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। सद शुक्र के निस्बत है मुझे आले नबी से, सद शुक्र के निस्बत है मुझे आले नबी से, अली के दर से अमन का कानून मिलता है, अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, और हम उस अली का जिक्र करते हैं कि जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, सद शुक्र के निस्बत है मुझे आले नबी से, अल्ताफ मेरा बाबा हुसैन इब्ने अली है, बाबा हुसैन इब्ने अली है, आका वो
मुझे मुर्शिद नूरबार की बारगाह में हजरत ख्वाजा जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह गमकोल शरीफ मेरे मुर्शिद बाग उनकी बारगाह में मनकबत के चंद अशआर और फिर इजाज़त चाहूँगा। और मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पीर भाई साथ पढ़ें, आप ही पढ़ें और अपने शेख का अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके पढ़ें। मेरे ख्वाजा गमकोल वाले अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके मेरा